बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम सिद्दीकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आइए हुसैनाबाद का एक विज़िट करते हैं। यहाँ पे क्या दस्तियाब है, एक शॉप में क्या क्या वैरायटीज़ हैं, क्या कीमतें हैं, वो सब जानते हैं। तो आइए रिपोर्ट देखते हैं। ताज़ा तरीन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। जी, वो फेमस बर्गर पॉइंट जो आज हम आपको विजिट करवाने वाले हैं, और काफ़ी स्पेशल और बहुत अच्छा बर्गर यहाँ पे मिलता है पिछले 45 सालों से। तो हमारे साथ मौजूद रहिएगा। बेटा यहाँ पे दो बंदा चला के दो, पेट में ना अंकल पार्सल है, यही खा लो, यहाँ मजा आएगा। भाई क्या प्राइस है आपके बर्गर के? बर्गर की प्राइस 70 रुपये, 70 का एक है। 70 का एक है। इसके अलावा कौन कौन से आइटम अवेलेबल हैं शॉप पे, ज़रा उसके बारे में बता दीजिए। सबसे पहले भाई एक है हमारे पास जो मेन और मेन कोर्स जो है ना हमारी शॉप का, वो है बन कबाब, ठीक है। ये 1980 से पहले से स्टार्ट हुआ था, वो अभी तक चल रहा है, ठीक है। ये शामी कबाब वाला है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे चलता है। इसके बाद जो लोगों की डिमांड होती है कुछ के चिकन स्टिक में हमें खाना है, चिकन में खाना है, तो चिकन वाला बर्गर हम बना के दे देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फ्राई आइटम होते हैं, फ्राई आइटम में चिकन स्टिक है, समोसे हैं, वॉन्टन ख़त्म हो गए हमारे पास, ये रोल पड़े हुए हैं वहाँ पे जो थोड़े बहुत रह गए हैं, ठीक है सर। ये रोल पड़े हुए हैं, चिकन हॉट रोल है, ये चिकन हॉट शॉट है, ठीक है। ये अलबैक स्टाइल के होते हैं, इंजेक्टेड होते हैं, मसाले होते हैं। ये पॉप स्टिक इसका ऑप्शन है, मैं लॉलीपॉप के नाम से मशहूर है। ये चिकन स्टिक है, ये हरी मिर्च है, चिली मिली के नाम से हमारे पास। ये फ़िलहाल हमारे पास ये आइटम है। बाकी जो आइटम है वो है पिज़्ज़ा पराठा, जो कि आपके सामने है, रॉ शक्ल के अंदर में अभी ये फ्राई किया जाता है लाइव तवे पे हॉट प्लेट में। और इसके अलावा ड्रम स्टिक आती है जो टाइम की, जो कि इस वक्त ख़त्म हो गया हमारे पास। बर्गर किस तरह बनाते हैं, नारियल ये देखें कि जिस तरीके से हमारा बर्गर है, ये बर्गर की रोस्टिंग का स्टाइल है, ठीक है। इसके अंदर बन कबाब को पहले रोस्ट किया जाता है, इसके बाद कबाब डाली जाती है। खोल के भी ज़रा ब्रदर व्यूअर्स को दिखा दीजिएगा, ओपन करके इसको ये आप देख सकते हैं नाजिम के इस तरीके से है ये बर्गर। शामी बिल्कुल सिंपल सा है, बन को पहले रोस्ट किया, उसके बाद शामी कबाब डाली, इसके बाद चटनी डाली, उसके बाद प्याज डाली जो सैलेड होती है, और इसके बाद जो है वो मसाला डाला, चाट मसाला। यानी आप ये इसको पैक करते हुए भी हम लोग दिखाएंगे कि ये किस तरीके से पैक करते हैं, और होम डिलीवरी भी इनकी अवेलेबल है जी। तो आप लोग इनको जो है वो ऑर्डर भी कर सकते हैं। अच्छा, अपनी शॉप का कंप्लीट एड्रेस और मोबाइल नंबर बता दें। शॉप का जो कंप्लीट शॉप का नाम है माशाल्लाह बर्गर कॉर्नर, MBC बर्गर, हुसैनाबाद के नाम से मशहूर है ये। और हुसैनाबाद की जो फूड स्ट्रीट की जो फाउंडिंग फूड स्ट्रीट के जो मेंबर्स हैं ना, इनमें से ये एक है, 8-9 मेंबर्स में से ये एक है, जो बहुत पुरानी है बिल्कुल। हुसैनाबाद पे इसके 2-3 लैंडमार्क हैं। एक तो ये है कि गुफाई मेमन मस्जिद है, इसके बिल्कुल सामने है। दूसरा फेमस ये है कि वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन है, उसकी गली के बिल्कुल कोने पे। तीसरा तैयबी रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने है। मोबाइल नंबर अपना 03-47-24-54-884, ये शॉप का डिलीवरी राइडर का नंबर है, जो हमारे इस पर ऑनलाइन जितने भी ऑर्डर होते हैं हम लोग इस पर नंबर रिपीट पे वो किए जाते हैं। नंबर दोबारा नोट कर लें, 03-47-24-54-884। इसके अलावा आप हमें फूड पांडा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और सोशल मीडिया पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक वगैरह पे। सर, कितने अरसे से बर्गर खाने आ रहे हैं आप इधर? मैं तकरीबन मेरी एज 18-19 साल की होगी जब ठेला लगता था यहाँ पे ना। अच्छा, आप जब से आ रहे हैं? हाँ, इनके नाना है, पता नहीं कौन, उस वक्त से मैं आ रहा हूँ माशाल्लाह। कैसा मजा है? तो रिकमेंड, मैं रहता हूँ गुलशन मेमार, स्पेशली इतफाक से। अच्छा, गुलशन मेमार से खाने आ रहे हैं? खाने नहीं है, इतफाक से यहाँ आया हुआ था, तो जब भी आता हूँ तो खा के आता हूँ। रिकमेंड करेंगे कराची वालों को?
हाँ हाँ मैं सबको करता हूँ रिकमेंड माशाल्लाह। चले थैंक यू। टेस्ट भी अच्छा है, साफ सुथरा है। ये बर्गर यहाँ का आइडियल, यहाँ पे एक बर्गर है, ये बर्गर भी अभी नया खुला है, उसके मामले में बर्गर ये बहुत अच्छा है, इसकी चटनी बहुत अच्छी, चटनी के मामले में ग्रीन वाली जो चटनी है। यस बिल्कुल, तो रिकमेंड करेंगे तमाम बच्चों को। बिल्कुल, ये यहाँ पे आइए, बर्गर बहुत अच्छा है, ये इसकी चटनी लाजवाब है। जी दोस्त, आपने यहाँ पर बर्गर खाया, यहाँ का जायका कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, काफ़ी टाइम से आता हूँ मैं, रोज़ खाना। तो रिकमेंड करेंगे कराची वालों को? बिल्कुल बिल्कुल, आके चेक करें, बहुत अच्छी अच्छा आइटम। कितने साल से आ रहे हैं आप इधर? मेरा तो घर ही है भाई, शनाबाद। अच्छा बेटा, यहाँ पे आप समोसा खा रही हैं, कैसा लगा यहाँ का जायका आपको बताएं? अच्छा लगा, अच्छा लगा।